हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज हम गेट एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आया था वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड द प्रॉब्लम वाज लाइक दिस। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 24 ए टू द पावर माइनस 3 बाई 2 आर ओवर ए ई टू द पावर माइनस आर बाई 2 ए। ओके, सो दिस वॉज आवर रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, वायर ए इज द बोहर रेडियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इज वाई मल्टीप्लाइड बाई ए, एंड हमें क्या निकालना था, द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट विल डू, विल कंपेयर दिस रेडियल वेव फंक्शन विद द जनरल वेव फंक्शन फॉर एन हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हमें पता है कि जनरल रेडियल वेव फंक्शन फॉर एन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई आर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई लेग्यूरे पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाइड बाई 2R बाई एन ए रेज पावर एल मल्टीप्लाइड बाई e to the power minus r by n. Okay, so this is the general radial wave function for an hydrogen atom. So hum compare kar lenge pehle. Okay, so this part is the constant part. Okay, c is this part and there is no Liguori polynomial, so is radial wave function mein Liguori polynomial missing hai. Then coming to this term, so ye wala term, ye wala factor hai, and exponentials भी यहां पर है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपेयर कर लेंगे ये वाला फैक्टर विद दिस फैक्टर, तो यहां से हमें एल का वैल्यू पता चलेगा. तो यहां पर पावर है वन, सॉरी एल, एंड यहां पर पावर है वन, तो इट क्लियरली मीन्स एल इज इक्वल्स टू वन. ओके, सो एल का वैल्यू वन है. अब हम क्या कर लेंगे, अब हम एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स कंपेयर कर लेंगे. सो दिस इज ई टू द पावर माइनस आर बाई टू ए, एंड यहां पर e टू द पावर माइनस आर बाई एन ए. तो क्लियरली n का जो वैल्यू है दैट इज 2. तो l इज इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 2, जो कि पहले से ही गिवन था कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम वाज इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो इट वाज इन 2p. ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड. सो हमें डिस्टेंस निकालना है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, तो हमें पता है जब भी स्फेरिकल सिस्टम होता है हमारे पास, सपोज इन दिस केस हाइड्रोजन एटम वह प्रोटॉन एट द सेंटर, एंड अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है इन स्फेरिकल सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्फीयर ड्रा करते हैं. ओके, देन स्फेरिकल शेल ड्रा करते हैं, एंड देन वी आस्क द क्वेश्चन. पहले हम स्फेरिकल शेल ड्रा करते हैं, देन वी आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन वी आस्क इन स्फेरिकल सिस्टम्स. ओके, अगर लीनियर सिस्टम होता है देन वी आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल इन अ स्मॉल डिस्टेंस dx और डेल्टा x. But in case of a spherical system, we ask the different question. We ask, what is the probability of finding an electron in a spherical shell of volume 4 pi r square dr? Okay, so iska volume hai 4 pi r square dr. So iski jo probability aati hai, that is given by radial wave function ka square multiplied by this volume 4 pi r square. So this will give us the probability. Okay. So, ये वाला जो टर्म आ जाएगा, this will give us the probability of finding an electron in a spherical shell, okay, of radius r. So, basically हमें यही function maximize, sorry, इसी function का हमको maximum value निकालना है. Okay, r square 4 pi r square. तो अगर इस function का हमें maximum value पता चला, तो इसका मतलब है probability या chances of finding an electron will be large. Okay,
आर तो हमें पता है आर क्या है, सो वी हैड टू जस्ट मल्टीप्लाई 4 बाय r स्क्वायर। ओके, तो आर जो हमारा है दैट इज आर इज इक्वल्स टू 1/224 ए टू द पावर -3/2 आर बाय ए पावर -r/a। r/2a -r/2a, तो दिस इज आवर रेडियल वेव फंक्शन। तो तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी स्फेरिकल सिस्टम आएगा तो रेडियल वेव फंक्शन को हमेशा दिस फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगर लीनियर वेव फंक्शन गिवन होगा देन वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनीथिंग दिस टर्म, सो कोई ऐसा टर्म हमको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ओके, ओनली इन स्फेरिकल सिस्टम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर dr। सो व्हाट इज दिस 4 पाई आर स्क्वायर डू हियर, इट्स द वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल शेल। ओके, सो व्हाट विल डू, विल फर्स्ट स्क्वायर इट, सो आर स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 1/24 ए टू द पावर -3 a² r² ई टू द पावर -r/a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड बट एक्स्ट्रा टर्म वो है टू मल्टीप्लाई दिस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज द एक्स्ट्रा फैक्टर दैट वो है टू मल्टीप्लाई। तो 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई 24 ए टू द पावर 5 r 4 पाई r² r² इट बिकम्स 4 पाई r² ई टू द पावर -r/a। तो दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू, फंक्शन जिसका हमको मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। ओके, तो किस वैल्यू ऑफ r पे इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो उसका सिंपल सा टेक्निक है दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ओके, सो विल टेक द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इट विल बिकम 4 पाई बाई 24 a 5। अब डिफरेंशिएशन करना है इस वाले टर्म का, इन दो फैक्टर्स का, दैट बिकम्स r4 एंड एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा दैट विल बिकम -1/a e टू द पावर r/a प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे ही रखना है। अब आर फोर का डिफरेंशिएशन दैट विल बिकम 4r³। ओके, तो बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन तो हमको इसको पुट करना है इक्वल टू 0, बिकॉज डेरिवेटिव एट द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। ओके ओके, सो ये टर्म तो 0 नहीं होगा, सो ओनली दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज e टू द पावर -r/a, मैंने कॉमन फिर से निकाला, आई एम गेटिंग 4r³ - r⁴/a इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से नाउ अगेन दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, ओनली दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 4r³ इक्वल्स टू r⁴/a और इट इम्प्लाइज r³ कट जाएगा, तो r इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। सो इसका आंसर r इक्वल्स टू 4a, तो व्हाट विल बी द वैल्यू दैट इज मल्टीप्लाइड टू a इज 4। सो y का जो वैल्यू आ जा रहा है दैट इज 4, y इक्वल्स टू 4।